एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार कफू का पुतला, उत्तराखंड और केरल में मनरेगा मजदूरी में है काफी अंतर, बागेश्वर में श्रमिकों को बांटी गई आवश्यक सामग्री, डीएम ने कहा महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार है प्रतिबद्ध। बागेश्वर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा एसबीआई तिराहे पर पश्चिम बंगाल सरकार का पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली क्षेत्र की महिलाओं के साथ यौन शोषण और उनकी सामूहिक अस्मिता का हनन और उनके परिवारों पर सुनियोजित अत्याचार राज्य सरकार द्वारा संरक्षित अपराधियों द्वारा किया जा रहा है, जिसका एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार का पुतला दहन किया। देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में किस प्रकार वो प्रदेश जहां देवी को देवी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उस देश में महिलाओं के साथ शोषण अनेक घटनाएं हो रही है, उसके खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद ने बड़ा कदम उठाया है और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को विद्यार्थी बहन कभी भी सहन नहीं करेगी, उसके उसमें कड़ा विरोध करेगी और पूरे देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में ये अभियान चलाया है कि ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और वहाँ की सरकार के विरुद्ध जो ममता बनर्जी द्वारा किए गए अत्याचार को सहन नहीं करेगी विद्यार्थी परिषद। जिले के 13 जिला पंचायत सदस्य ग्रामीण विकास के गुण सीखने के लिए इन दिनों केरल में हैं। यहाँ एक सप्ताह तक वो पंचायतों का निरीक्षण करेंगे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य हरीश एठानी ने बताया कि उत्तराखंड और केरल में मनरेगा मजदूरी में काफी अंतर है। यहाँ कुशल 1100 और अकुशल 333 रुपए प्रतिदिन है। बागेश्वर की तीनों ब्लॉकों में श्रम विभाग द्वारा कंबल और छतरी का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड कपकोट सभागार में आज ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू और खंड विकास अधिकारी ख्याली राम द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को कंबल और छतरी बांटी गई। आकांक्षी विकासखंड कपकोट सभागार में श्रम विभाग जो कि उत्तराखंड भवन है वो अन्य संघवाद कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से जिन जो पात्र श्रमिक थे जिन्होंने अपना रिन्यूअल करा रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर दोबारा रिन्यूअल कराया था और जो पात्र व्यक्ति थे उनको आज कंबल वितरण के कंबल और छाता वितरण किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि जिन्होंने श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया है वो रिन्यूअल जरूर करवाएँ, क्योंकि श्रम विभाग के बहुत सारे फायदे हैं उनको पता ही है। जैसे अगर गरीब बेटी है तो एक बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपया मिलता है, दूसरी बेटी की शादी 51,000 रुपया मिलेगा और श्रम टूल किट भी इनके द्वारा दिया जाता है, चाहे हमारे यहाँ मिस्त्री हैं लोहार हैं या इलेक्ट्रीशियन है तो पूरा किट 10,000 रुपये उनको मिलेगा। वनगर की यहाँ कोई दुर्घटना होती है दाह संस्कार के लिए भी जो है 10,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी जो है प्राइमरी के बच्चों दो बच्चों को जो है फीस सरकार के द्वारा दी जाती है और सबसे बड़ी बात 4 साल के बाद जो है 1500 रुपया प्रति माह जो पेंशन श्रम विभाग के माध्यम से दिया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगातार अंतिम छोर में बसे व्यक्ति को भी जनता के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, कैसे मिले इसके लिए सरकार जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न विभागीय कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से लगातार शिविरों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही है। जैसे कि हमारा केंद्र सरकार राज्य सरकार से भी एक लाइन में काम करती है, एकात्म मानववाद से अंत्योदय का दर्शन। एकात्म मानववाद का मतलब होता है कि किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठकर अंत्योदय दर्शन अंतिम छोर में बसे हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, अर्थात सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उसी के तहत जो वास्तव में गरीब है सबसे निचले वर्ग का श्रमिक है उसको भी जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसका लाभ दिलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अभी पीएम श्रम जो योजना चली है उसमें भी 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का लोन लेकर आदमी स्वरोजगार अपना कर सकते हैं, अपने उद्योग लगा सकते हैं। तो पुनः मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज गाँव में अंतिम छोर में बसे व्यक्ति का विकास पहुंची है और लोगों को स्वरोजगार के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने मंगलवार को ब्लॉक सभागार बागेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह संवेदीकरण कार्यशाला एवं सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी अवसर पर जिलाधिकारी ने जिले की प्रेरणादायक महिलाओं को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
ये अब हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो 8 मार्च को होता है, तो ये हम पूरा एक वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमने आज एक संवेदीकरण कार्यशाला हमने रखी और सम्मान समारोह भी रखा है। इस सम्मान समारोह में हमने जो बच्चियां हैं हमारी 10th 12th की जो अचीवर्स हैं उनको रखा है, कुछ ऐसे बच्चियों को जो यहीं की उत्तराखंड की हैं जिन्होंने अपना सब बैरियर्स तोड़ के अपना कुछ कई फील्ड में अपना कार्य किया, जैसे साक्षी हैं जो हमारी दिव्यांग हैं, इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी है, कैसे उन्होंने अपने जीवन से प्रेरणा पाते हुए आगे उसको बढ़ाया, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है। पूजा जी हैं जो अपन के कार्य को बहुत आगे हमारा राज्य का नाम रोशन कर रही हैं, बाकी हमारी जितनी महिलाएं ऑफिसर्स हैं जो कठिन परिस्थितियों में रह के भी अपने कार्य को कर रही हैं, तो उन सबको हमने बुला के लड़कियों के सामने उनका एक पैनल डिस्कशन रखा ताकि लड़कियां उनसे सवाल पूछ सकें, जो भी उनके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जिज्ञासा है, चुनौतियां कैसे सामना करनी है, उनको कैसे संघर्ष करना, इन सब पे चर्चा की गई। तो एक ओवरऑल मिला के बहुत अच्छा एक हमने स्टार्ट किया है मुहिम। इसके बाद हम एक मैगजीन भी हम निकाल रहे हैं जिसमें हम बच्चों को करियर काउंसलिंग से लेके उनके स्वास्थ्य पोषण से लेके सारी हम उनमें जानकारी उनको देंगे, उनमें गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं उनकी जानकारी, जितनी हेल्पलाइंस हैं उनकी जानकारी हम देंगे। इसके साथ साथ हमने एक ताइक्वांडो का एक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण का भी एक मुहिम की है, और ये सब का पूरा वीडियोज जो एक छोटी सी फिल्म इन सभी पे बागेश्वर पे उसको हम बना के उसको भी रिलीज करेंगे आगे आने वाले टाइम में। ये कार्यक्रम हमने एक बागेश्वर विधानसभा में रखा और एक हमने कपकोट विधानसभा में भी रखा है, जिसका जो कल होना है, जिसमें कल माननीय विधायक जी भी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। आज भी हमारे मुख्य अतिथि थे माननीय विधायक जी थे, लेकिन उनको किसी कार्य में बाहर जाना पड़ा, तो उनका संदेश हमें वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो मैं देखती हूँ कि कुछ ना कुछ हमारा इस मुहिम से बहुत सारी बच्चों को बहुत प्रेरणा भी मिलेगी और बहुत सारी बच्चे आगे आएंगे।